दोस्तों, हाथ या पैरों का सुन्न हो जाना ये हमारे लिए बहुत ही एक आम बात है, और सुन्न हो जाने के बाद भी पैरों में इस तरीके से ऐसा लगता है कि जैसे कि चींटियां काट रही हैं या फिर पैरों में सुइयां चुभ रही हैं, ऐसा ही कई बार हाथों में भी होता है। हमें ये बड़ी सी आम बात लगती है, हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत ही नॉर्मल है जो कि हर एक किसी के साथ होता है, लेकिन क्या आपको पता है इसकी वजह से और इसको अवॉइड करने की वजह से कार्डियक अरेस्ट तक आ सकता है, मतलब कार्डियक स्ट्रोक पड़ सकता है, दिल का दौरा पड़ सकता है। इसके अलावा डायबिटीज जैसी घातक बीमारियां भी आपको लग सकती हैं। शुरू से बिल्कुल शुरू करते हैं। मैं हूं वरुण अवस्थी, आप सभी का जीएस गुरु, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और इस बेहतरीन टॉपिक को आपके सामने बिल्कुल छोटे से टर्म में और प्यारे तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले यह समझते हैं कि किस तरीके से ऐसी चीजें होती हैं। मतलब कई बार आपको लगता है कि आपके हाथ पैरों में सुन्न हो गया है, या फिर झंझनाहट सी हो रही है, या फिर चिंचिनी काट रही है, या टिगलिंग हो रही है, या फिर सुइयां चुभ रही हैं, या फिर चींटियां काट रही हैं। ये सारी चीजों का रीजन सिर्फ एक ही चीज है, और ये पहले तो आप ये समझ लीजिए कि किस वजह से होता है। इसके पीछे बेसिक सा एक रीजन है कि आप कहीं पर बैठे रहते हो और आपकी बॉडी में उस जगह पर ज्यादा प्रेशर अगर पड़ जाता है तो वहां पर यह चीज आपको देखने को मिलेगी, या फिर ज्यादा अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से, मतलब आप सूर्य की किरणों के प्रभाव में अगर ज्यादा आ रहे हो तो भी यह चीज आपके साथ ज्यादा होगी। तीसरा इसका रीजन अल्ट्रासाउंड का रेडिएशन हो सकता है, और इसके अलावा माइक्रोवेव का रेडिएशन भी हो सकता है। सवाल यह उठता है कि यह चीजें किस तरीके से कार्य करती हैं और आपकी बॉडी में थोड़ी देर के बाद यह चीज कैसे सही हो जाती है, उस पर बात करते हैं। इन कारणों के अलावा भी एक और सबसे बड़ा कारण है कि अगर आपकी बॉडी में यह चीज बार बार हो रही है, या फिर थोड़ी ही देर या थोड़ा सा ही वजन पड़ने पर आपके पैरों में चिंचनाहट हो रही है या हाथ पैर सुन्न हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी है। अब देखिए आपकी बॉडी में किस तरीके से कार्य करती है। फिजिक्स में अगर हम बात करें तो हम सभी को पता है हर एक एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन किस तरीके से कार्य करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन में फ्री रेडिकल बना तो देखिए इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर अपने ट्रैक पर इस तरीके से घूमते हैं, ये तो हम सभी को पता है, बिल्कुल बेसिक सी चीज मैंने आपको बताई है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये दो इस वाले ट्रैक में ये दो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है, कुछ भी यहां पर डिसऑर्डर होगा इसके ट्रैक में तो कई बार क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से टूट के ऐसे बाहर निकल जाता है, तो इस केस में क्या होगा कि इस पूरे एटम में डिसऑर्डर हो जाएगा और इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये एटम फ्री रेडिकल कहलाता है। अब फ्री रेडिकल की कंडीशन से अगर इसको ओवरकम करना है तो तुरंत क्या होता है कि आपकी बॉडी में उस तरीके का टाइप होता है, या फिर ये एक नेचुरल थिंग है कि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है वो तुरंत टूटकर इससे आकर मिल जाता है। मतलब कहने का जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो तुरंत क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को चेन से ब्रेक करेगा और वो इलेक्ट्रॉन यहीं पर आकर इसके साथ पेयर बना लेगा। जैसे ही ये पेयर बनाएगा ये एक बार फिर से स्टेबल आइटम बन जाएगा। अब इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी होता है। आप ऐसे समझो कि आपने अपने पैर को ऐसे करके दबा के रखा काफी देर तक, जब आप दबा के रख रहे हो तो आपके जो ब्लड सेल्स हैं ये सेम उसी तरीके से कार्य कर रहे हैं जैसे कि एटम कर रहा है, क्योंकि हमारा ये जो पूरा शरीर है ये एक दो एटम नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है। एटम का मतलब आम भाषा में आप ये समझ सकते हो कण। इस दुनिया में हर एक चीज प्रत्येक कण से मिलकर बनी हुई है, उसी तरीके से हमारा शरीर भी बिलियंस कणों से मिलकर बना हुआ है। कि जब आप इस तरीके से शरीर के किसी भी हिस्से को प्रेशर देते हो, काफी देर तक दबा के रखते हो, तो उसमें ये जो एटम्स होते हैं ये डिसऑर्डर होते हैं, और इनके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी जाहिर सी बात है डिसऑर्डर होंगे। और जब ये डिसऑर्डर होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अपना पेयर छोड़ता है, तो ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है यही फ्री रेडिकल है। मतलब जिस टाइम पर आपको टिगलिंग हो रही है या सुइयां जैसी चुभ रही हैं, आपको लग रहा है चींटियां काट रही हैं उस सुन्न जगह पर, इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी का वो हिस्सा फ्री रेडिकल कंडीशन में आ चुका है। अब उससे ओवरकम करने के लिए आपकी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं वो तुरंत क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से रिलीज करते हैं और ये जाकर उस फ्री रेडिकल में पूरा फुलफिल कर देता है रेडिकल को, और वो आइटम फिर से स्टेबल आइटम धीमे से बन जाता है। तभी आपने कई बार देखा होगा कि आपको ऐसा लगता है कि आप उस जगह को मल रहे हो तो वो चीज जल्दी ठीक हो रही है। कारण क्या होता है, कारण यह होता है कि उस जगह पर जो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है वो हल्का सा तेज हो जाता है, बट हां बहुत ज्यादा इसका फर्क नहीं पड़ता है। कई बार आप ऐसा भी देखोगे कि आप बहुत कोशिश करते हो लेकिन उसके बाद भी उस जगह में जो सुन्न हो चुकी है बॉडी पार्ट, वो बॉडी पार्ट वापस से उस कंडीशन में जल्दी नहीं आ रहा है। कारण क्या है, इसका मतलब है आप समझ जाइए कि आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत कम मात्रा में है,
इसी वजह से आप जल्दी से उसमें ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। एंटीऑक्सीडेंट आपको उन सभी चीजों में मिलेंगे जहां पर विटामिन ई देखने को मिलेगा, क्योंकि विटामिन ई की कमी अगर बॉडी में हो गई तो एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाएंगे, और अगर बॉडी में कहीं पर भी फ्री रेडिकल की कंडीशन आई तो भैया आपको बचाएगा कौन, क्योंकि इस कंडीशन में जो डॉक्टर है आपकी बॉडी के अंदर, ऊपर वाले ने या फिर नेचर ने पहले से ही आपको दिया हुआ है, वो एंटीऑक्सीडेंट ही है, और अगर उस डॉक्टर की कमी हुई तो आपको उस टाइम पर कोई नहीं बचा सकता। आगे बढ़ते हैं, इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कोई नॉर्मल सेल होता है या एटम होता है, अगर उसमें ऑक्सीडेंट्स लगने लगे तो एक टाइम वो आता है जब उसके अंदर के सेल्स बहुत ज्यादा डिसऑर्डर हो जाते हैं और यहां पर ये सेल पूरे तरीके से डैमेज हो जाता है। इसी तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि एक फ्रेश सेब होता है, उस सेब को अगर आप काट के रखें तो थोड़ी देर के बाद उसमें ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया शुरू होने लगेगी, लेकिन इस ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया से आप उसे तभी बचा सकते हो जब उसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हो। लेकिन अब क्या है कि आपने क्या कर दिया, उसके सेल्स को डैमेज कर दिया, पहले ही डिसऑर्डर कर दिया। एक टाइम के बाद आप देख रहे हो इस तरीके के आपको सड़न देखने को मिलेगी, मतलब आपको लगेगा कि ये पर्टिकुलर पार्ट डैमेज हो गया है। कारण क्या है, आपको यहां पर ये डैमेज नहीं दिखाई दे रहा है, यहां पर अभी सेल्स क्या है, मतलब आपने एप्पल खा लिया तो इसके सेल क्या हो गए, डिसऑर्डर हो गए, लेकिन ये डैमेज नहीं है। डैमेज कंडीशन इसकी ये है, एक सर्टेन टाइम के बाद ऑक्सीडेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसके जर्म्स इस पर्टिकुलर एरिया को फ्री रेडिकल कर देते हैं। फ्री रेडिकल का मतलब पूरे तरीके से डैमेज हो गया है। दुनिया में कोई भी एटम हो, वहां पर एक कंडीशन होती है, उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने ट्रैक में इस तरीके से घूमते रहते हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन ट्रैक पर ही अपने घूमता रहता है एटम के अंदर। अब इसमें क्या होता है कि कई बार, जैसे कि ये आपका कहलाएगा स्टेबल मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो सही तरीके से अपने ट्रैक में घूम रहा है, लेकिन इसमें आप देख रहे हो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन अगर डिसऑर्डर हुआ तो ये बाहर निकल जाएगा अपनी क्लास से, मतलब अपनी कक्षा से ये बाहर निकल जाएगा, एटम की कक्षा से। और ये जैसे ही बाहर निकला, नहीं कि ये वाला जो है ये पूरा फ्री रेडिकल या मिसिंग इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब इस केस में क्या होगा कि अगर आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट होंगे तो एंटीऑक्सीडेंट तुरंत एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जाके कहां लग जाएगा, इसी जगह पर सेट हो जाएगा, और इस तरीके से आपकी बॉडी को बचा लेता है। तो ध्यान रखिए, इस चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, और इसके लिए विटामिन ए के लिए जो रिस्क सोर्सेज हैं, आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हो डार्क चॉकलेट से, ब्लूबेरीज हो गई, बीन्स हो गई, रेड कैबेज हो गई, ये तो चीजें आमतौर पर आप लोग यूज नहीं करते होगे, लेकिन इधर वाली चीजें ये आप आमतौर पर यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको टमाटर खाने चाहिए, नींबू आपको एंटीऑक्सीडेंट्स देता है, लहसुन आपको एंटीऑक्सीडेंट देता है, प्याज भी देता है, हल्दी भी एंटीऑक्सीडेंट देता है, इसीलिए बोलते हैं कि खाने में हल्दी की मात्रा थोड़ी जरूर रखिए। इसके अलावा ग्रीन टी, ये भी आपको एंटीऑक्सीडेंट देता है। किसी भी तरीके की मिर्च हो, ध्यान रखिए किसी भी तरीके की मिर्च हो, वो आपको एंटीऑक्सीडेंट देगी ही देगी। सेब हो गया, ब्रोकली हो गई, ब्लैक ग्रेप्स हो गए, वॉलनट्स हो गया, सबसे ज्यादा अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स ड्राई फ्रूट्स में होते हैं। जी हां, ये विटामिन ई वही है जिसकी कमी से इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको हिंदी में बांझपन बोलते हैं। तो इन सारी चीजों को आप रेड ऑफ कर सकते हो सिर्फ एक वजह से, आप ड्राई फ्रूट्स की मात्रा थोड़ी सी अगर बढ़ा देते हैं तो आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स बनने लगेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आप मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो, और सब्सक्राइब करने की भी तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे मेरे ऊपर और बड़ा एहसान हो जाएगा। अरे कर दो अच्छा लगा है तो, और दूसरों को भी शेयर करो जिनको नहीं पता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।